हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियम। आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर और आज मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के मैच नंबर 55 जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच इस मैच की प्लेइंग 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने में। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो अंटिल द वेरी एंड क्योंकि हम आप तक लाते हैं बहुत ही सटीक और एक्यूरेट मैच फैक्ट्स, मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी क्रिकेट टिप्स। बात अगर इस मैच के वेन्यू और वेदर की कर लें तो ये मैच खेला जाएगा अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में। यहाँ की जैसा हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है कि काफ़ी हाई स्कोरिंग टाइज में मैच एंड हुए हैं और हम आज भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ही टीम्स की प्रिडिक्टेड 11 की बात कर लें तो ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल मैच होगा और डेफिनेटली जो भी टीम इस मैच को जीतती है वो प्लेऑफ्स में जगह बनाने में कामयाब रहेगी। इसलिए दोनों ही टीम्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप्स के साथ जाना चाहेंगे। कुछ चेंजेस के साथ ऐसी हो सकती है इन दोनों टीम्स की प्रिडिक्टेड 11। अगर बात कर लें इस मैच की प्लेइंग 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम की तो जिस विकेट कीपर को मैंने अपनी टीम में रखा है वो है ए बी डिविलियर्स। डेफिनेटली डिजर्व्स द स्पॉट अहेड ऑफ ऋषभ पंत क्योंकि ए बी डिविलियर्स ने बल्ले के साथ बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है इस साल के IPL में भी। अगर बात कर लें इस टीम के बल्लेबाजों की तो जिन बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है वो हैं शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल। चारों ही बहुत ही एक्सपीरियंस T20 कैंपेनर्स हैं और देवदत्त पड्डिकल ने इस सीजन में दिखाया है कि ही हैज़ अ वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट फॉर द नेशनल साइड एज वेल। अब बात कर लेते हैं इस टीम के ऑलराउंडर्स की तो जिन ऑलराउंडर्स को मैंने अपनी टीम में चुना है वो हैं मार्कस स्टॉइनिस और वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर इस साल गेंद और बल्ले के साथ बहुत ही प्रभावी रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए और इसीलिए आज वो मेरी टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे। अगर मैं बात कर लूँ इस टीम के बॉलर्स की तो जिन बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया है वो हैं कगिसो रबाडा, आंद्रे नोकिया, युजवेंद्र चहल और इसुरु उदाना। युजवेंद्र चहल बहुत ही अच्छे स्पिनर के तौर पर इस साल IPL 2020 में उभरे हैं और पर्पल कैप की रेस में ही हैज़ बीन अमॉन्ग द टॉप स्पिनर्स इन द लिस्ट। अब आ जाते हैं इस मैच की मैच प्रिडिक्शन पर तो जिस तरीके का खेल दोनों ही टीम्स ने दिखाया है पिछले कुछ मैचेस में काफ़ी डिसमल परफॉर्मेंसेज रही हैं दोनों ही टीम्स की, लेकिन कंपैरिजन करें अगर दोनों ही टीम्स का अब तक का टूर्नामेंट में तो दिल्ली कैपिटल्स लुक द मोर डोमिनेटिंग एंड बैलेंस साइड आउट ऑफ द टू और इसलिए आज मैं दिल्ली कैपिटल्स को बैक करूंगा ये मैच जीतने के लिए। बने रहें हमारे साथ, हम ऐसे ही एक्साइटिंग और एक्यूरेट मैच फैक्ट्स, मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी क्रिकेट टिप्स आप तक लाते रहेंगे।